हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए गई हूँ फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेस। तो फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेस क्या होती हैं? देखिए, जब भी आप फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे के साथ हेयर स्टाइलिंग करते हैं, उससे आपकी जो हेयर स्टाइलिंग है, सपोज़ कि जो आपने हेयर डू किया है वो ख़राब हो गया, तो फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे का अगर आप यूज़ करोगे तो आप उसे रीशेप कर सकते हो। उसको यूज़ करने से आपके जो हेयर्स हैं वो हैवी नहीं होते। जो नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेस हैं उनको यूज़ बार बार यूज़ करने से हेयर हैवी हो जाता है, तो आपके जो आप हेयर डू करते हो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल में आप 5-6 बार अपने हेयर स्टाइल को निकाल के उसे फिर से मेंटेन कर सकते हो। ये होते हैं मेरे फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेस। तो फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेस थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, और इनको आप फिर से रिपीट कर सकते हो, मीन्स से कि अगेन एंड अगेन अपना हेयर डू कर सकते हो। अगर आपका हेयर डू ख़राब हो गया है और आपसे नहीं बन रहा, या बिगिनर्स हैं, तो फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे का यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेज हैं जो मैंने आपको बता रही हूँ। हर वो स्प्रे जिस पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल, रीशेपर, शेपर, इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि इसको हम फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब फ्लेक्सिबल होते हैं। जिसपे शेप, रीशेप, शेपर लिखा हुआ है कि रीशेप कर सकते हैं, तो वो सब क्या होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल। और ऐसे ही जैसे कि हमारा सबसे पहले है ओसिस प्लस का, ओसिस प्लस जिसकी एक नंबर की होल्ड होती है और जो ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है, वो हमारा जो होता है फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे होता है। ये शॉज़कॉफ का है और बहुत अच्छी ये जो है ये आपको मेंटेनेंस देगा, बहुत अच्छे आप फिर से शेप कर सकते हो, फिर से अपने हेयर डू को खोलकर कर सकते हो। सेकंड होता है हमारा शॉज़कॉफ का भी सीज़न लेबल। ये ओसिस प्लस का भी शॉज़कॉफ का है, दूसरा भी सीज़न लेबल का है, ये भी शॉज़कॉफ का है। दोनों ही शॉज़कॉफ के हैं और बहुत ही अच्छे ये हेयर स्प्रेज हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा फ्लेक्सिबल जो है वो है ईमी फ्लेक्सिबल फिनिश, ईमी फ्लेक्सिबल फिनिश के नाम से, EIMI बड़ा बड़ा लिखा होता है उस पर, ईमी फ्लेक्सिबल फिनिश होता है। वो वेला ब्रांड का है और बहुत अच्छा जो है फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे है। नेक्स्ट है स्पेस्टिन प्रोफेशनल शेपर, सेबेस्टिन का प्रोफेशनल शेपर, ये है ज़ीरो ग्रेविटी, ठीक है ना, ज़ीरो ग्रेविटी, मतलब कि इसकी होल्डिंग बहुत कम है और आपके हेयर्स को काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखता है हेयर स्टाइलिंग करते वक्त। बाद में आप फिक्स कर देते हैं कोई ज़्यादा नंबर की स्प्रे के साथ। तो ये कौन सा है? स्पेस्टिन प्रोफेशनल शेपर, जो कि ज़ीरो ग्रेविटी है। नेक्स्ट है इसी का ही सेबेस्टिन शेपर, इसकी होल्डिंग पावर ज़ीरो ग्रेविटी कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। इसको आप एज अ हेयर स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है सेबेस्टिन रीशेपर, सेबेस्टिन प्रोफेशनल रीशेपर, ये भी रीशेपर है, यानी कि रीशेप कर सकते हो। तो ये जो हमारी कुछ हेयर स्प्रेज हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। अब फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल में फ़र्क क्या होता है? नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे, जिसको आप एक बार मान लीजिए आपने हेयर स्टाइलिंग कर लिया और आपने नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे कर दी, ये जो मैं एनजो की कभी कभी यूज़ करती हूँ, ये भी नॉन फ्लेक्सिबल ही है, बहुत हैवी है ये, यानी अगर हम इसे स्प्रे करते हैं तो हेयर वहीं पर ही स्टिक हो जाते हैं। अगर हम इसे मान लीजिए मैंने इसे फिर से खोल के करने की कोशिश की तो हेयर थोड़ा हैवी हो जाता है। तो फ़र्क होता है इन सब हेयर स्प्रेस में। ये थोड़ी सस्ती होती हैं तो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमें देखते हैं हर एक चीज़ को। तो आप जब इनके साथ काम करते हो, ऐसी बात नहीं है फ्लेक्सिबल यूज़ नॉन फ्लेक्सिबल यूज़ मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। नॉन फ्लेक्सिबल भी यूज़ करो, फ्लेक्सिबल भी यूज़ करो। तो नॉन फ्लेक्सिबल को अगर आप रीशेप करने की, रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो तो हेयर थोड़े हैवी हो जाते हैं और नेचुरल लुक नहीं आता है। फ्लेक्सिबल मान लीजिए हेयर आपसे हेयर स्टाइल नहीं हुआ, या फिर क्लाइंट को पसंद नहीं आया, कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपने उसे करने की कोशिश की, तो क्या होगा, आप उसे ओपन करके फिर से करोगे तो आपके हेयर्स हैवी नहीं होंगे।
आप उसे फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है डिफरेंस फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल का। जो फ्लेक्सिबल होते हैं उन पे लिखा होता है फ्लेक्सिबल, रीशेपर, शेपर या इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो मेंशन होते हैं। जो मैंने आपको बताया ये सब फ्लेक्सिबल थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉन फ्लेक्सिबल्स के बारे में बताया था कि नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रेस के बारे में बताया था। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन सब का स्प्रे का यूज़ कर सकते हो और आपके हेयर स्टाइलिंग में काफ़ी अच्छा जो है इफ़ेक्ट आता है। और जो ये फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े से फ्रिज भी कंट्रोल करते हैं, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं और जो उठते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।